हेलो दोस्तों, वेलकम टू समड अप। दोस्तों, सिंधी, गुजराती और मारवाड़ी के बिजनेस पढ़ते पढ़ते मुझे एक बुक नजर आई, रोकड़ा, हाउ बनियाज डू बिजनेस। ये बुक पढ़ के मुझे पता लगा कि बनिए बिजनेस में इतने मशहूर क्यों हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ इस बुक से एक ऑनलाइन बनिए की कहानी शेयर करने वाला हूं। और एंड में आप लोगों के साथ बनियों की बिजनेस क्वालिटीज भी शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, हमारे दोस्त ये बुक जो एक बहुत ही अच्छा चैनल चलाते हैं, उन्होंने एक लर्निंग ऐप बनाई है जहां आपको हिंदी में बुक समरीज मिलेंगी। बंदे ने बहुत ही अच्छी ऐप बनाई है, मैं खुद भी ये ऐप यूज कर रहा हूं। तो जरूर जाकर इस ऐप को चेक कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए अब हमारे ऑनलाइन बनिए की कहानी देखते हैं। बनिया एक आम वर्ड है जो अक्सर किराने वाला, मनी लेंडर्स और दूसरे मारवाड़ी बिजनेसमैन के लिए यूज होता है। बनिए का वर्ड संस्कृत के वर्ड वनिज से निकला है, जिसका मतलब है व्यापारी या दुकानदार। बनिए हिस्टोरिकली उधार देने, कमोडिटीज ट्रेड करने, स्टॉक ब्रोकिंग और दुकानदारी के प्रोफेशन में रहे हैं। लेकिन आजकल काफी मॉडर्न सेक्टर्स जैसे ई कॉमर्स, मोबाइल टेलीफोनी और ऑयल एंड गैस पर भी ये लोग छाए हुए हैं। ये सेपरेट इंडियन कास्ट है जो फिर सब कास्ट में बटे हुए हैं, जैसे माहेश्वरी, अग्रवाल और दूसरे। और इनके टिपिकल सरनेम्स होते हैं जैसे बंसल, मित्तल, सिंगल, गोयल और दूसरे। ये लोग अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम और कम्युनिटी की सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। इन लोगों में पैसे और धंधे की बहुत गहरी समझ होती है और साथ ही बिजनेस इनकी रग रग में बसा होता है। इन्हीं में से एक जाना माना बनिया है रोहित बंसल। रोहित बंसल मालोट में पैदा हुए, जो भटिंडा के करीब एक छोटा सा टाउन है। रोहित की फैमिली अनाज का कारोबार करती थी जो उनके फादर और अंकल मिलके चलाते थे। वो लोग फार्मर से अनाज खरीद के गवर्नमेंट एजेंसीज को बेचते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ गए। लेकिन उनका बिजनेस मौसम के हाल पे चलता था। बारिश अक्सर फसल को खराब कर देती थी, जिसकी वजह से पूरा कारोबार ठप हो जाता था। बुरे हालात में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय वेट करने के। इसी चीज ने रोहित को बचपन से ही बिजनेस के उतार चढ़ाव के साथ कंफर्टेबल रहना और उन्हें सबर करना सिखा दिया था। दोस्तों, बिजनेस में सबर के साथ थोड़ी अकल भी हो तो फिर सोने पे सुहागा होता है। और रोहित बचपन से ही अपने स्कूल में टॉप करते आ रहे थे और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनके वहाँ सब लोगों को बस एक ही चीज पता थी, अगर 10th में आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आए तो उस स्टूडेंट को DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल में भेजा जाता था, जो रोहित आसानी से हासिल कर चुके थे। दिल्ली आकर रोहित एक बड़े तालाब में छोटी मछली जैसे थे। आज तक रोहित को टॉप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन आगे मुकाबला बहुत ही सख्त था, जहाँ उनकी क्लास में उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थे। मालोट में जो क्लास का हीरो था, दिल्ली आकर जीरो फील कर रहा था। ऊपर से कमजोर इंग्लिश उन्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देने लगी। लेकिन फिर जल्दी उनकी एक अच्छे दोस्त से मुलाकात हुई, जहां उनकी जिंदगी में इंटर हुए कुणाल बहल, जो एक कॉन्फिडेंट सिटी बॉय थे। दोनों साथ साथ एक ही बेंच पे बैठने लगे और बहुत ही गहरे दोस्त बन गए। लेकिन कॉलेज के खत्म होते ही दोनों के रास्ते अलग हो गए, जहां रोहित का IIT में एडमिशन हो गया और कुणाल US पढ़ने चले गए। IIT के 5 सालों ने रोहित को बहुत कुछ सिखाया और IIT से निकलते ही उन्होंने Capital One कंपनी में जॉब ले ली। उस वक्त कैपिटल वन एक अकेली कंपनी थी जो लोगों को जॉब के लिए US भेज रही थी। लेकिन उस साल वीजा की लिमिट खत्म होने की वजह से रोहित का US जाना 1 साल डिले हो गया और उन्हें बेंगलोर शिफ्ट कर दिया गया। कुणाल तब माइक्रोसॉफ्ट US में जॉब कर रहे थे, लेकिन तभी वो अपने भाई की शादी के लिए इंडिया वापस आए। इतना दूर रहने के बाद भी दोनों दोस्त एक दूसरे से जुड़े रहे। दोस्तों, यही वो वक्त था जब दोनों जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करने का प्लान करने लगे। दोनों ने अगले वीक खुद को एक रूम में बंद कर दिया और एक के बाद एक बिजनेस आइडिया को डिस्कस करने लगे, जिसमें प्रोडक्ट्स रिव्यू करने की वेबसाइट, मूवी टिकट सेल करने की वेबसाइट और बहुत से आइडिया शामिल थे। लेकिन US में कुणाल ने फिजिकल कूपन्स का बिजनेस देखा था, जहां लोगों को चीप डील्स ऑफर की जाती थी। US में ये मार्केट $350 मिलियन की थी और इंडिया में भी ये बूम जल्दी आने वाला था, तो दोनों दोस्तों ने उसका फायदा उठाने का फैसला किया। अगले 2 साल दोनों ने इंटेंस रिसर्च की और ग्राउंड वर्क किया। इन दोनों सालों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया जो उन्होंने पूरी लाइफ नहीं सीखा था। लेकिन आगे उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने थे। पहला चैलेंज था एक न्यू और अननोन कंपनी में टैलेंटेड लोग को हायर करना। पहले तो दोनों फाउंडर्स इंटरव्यू के लिए लोगों को खुद ही कॉल करने लगे, लेकिन उन्हें जल्दी पता लगा कि जब फाउंडर्स खुद लोगों को जॉब के लिए कॉल करते हैं तो लोग उस कंपनी को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते। तो दोनों ने कुणाल की सिस्टर इन लॉ को HR की जॉब पे लगा दिया। साथ ही थोड़ा प्रोफेशनल लुक देने के लिए वो लोगों को इंटरव्यू से पहले थोड़ा वेट करवाने लगे, ताकि लोग उन्हें सीरियस लें। लेकिन उससे भी बड़ा काम था ब्रांड्स को पार्टनर बनाना, जो उनके कूपन्स के लिए डिस्काउंट देने को तैयार हों। दोनों रोजाना एक्सेल शीट खोलकर घंटों CEOs को कॉल करते थे, मैनेजर से मिलने के लिए घंटों ऑफिसेज के बाहर वेट करते थे। लेकिन उनकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। काफी बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे डोमिनोज, रीबॉक, एडिडास और काफी लोकल रेस्टोरेंट्स और स्पास ज्वाइन करने लगे।
दोनों दोस्त पहली जंग जीत चुके थे और जल्दी मनी सेवर के नाम से एक कूपन बुकलेट मार्केट में लाया गया। लेकिन मनी सेवर का लॉन्च एक टोटल डिजास्टर था। वो 4 स्टॉल्स लगाने के बाद भी सिर्फ 3 लोगों को अपनी बुकलेट सेल कर पाए। लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये था कि उन्होंने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर 50,000 बुकलेट्स प्रिंट करवा दिए थे, जिसपे उनकी फंडिंग का ज्यादा पैसा लग चुका था। फिर ऐसे ही एक महीना गुजर गया और सिर्फ 100 बुकलेट्स ही सेल हो पाई। लेकिन थैंकफुली काफी बिजनेस क्लाइंट्स को सर्विस काफी रिलायबल लगी, इसलिए दोनों दोस्तों ने मिलके कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कन्विंस किया कि वो बुकलेट्स अपने कस्टमर्स को एज वेलकम गिफ्ट दें। इस तरह उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट रिकवर हो गई। अगले 2 साल तक दोनों ने काफी आइडियाज ट्राई किए, मोबाइल कूपन से लेकर स्क्रेच कार्ड्स तक। लेकिन 2009 के आते आते एक्सपेरिमेंट्स का टाइम खत्म हो चुका था। कंपनी के फंड्स अब फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्हें एक VC यानी वेंचर कैपिटल से $2 मिलियन की फंडिंग मिल गई। तभी एक बहुत ही अलग चीज हुई। पहले तो उनकी कंपनी दूसरे लोगों तक आइडियाज लेकर जा रही थी, लेकिन अब मार्केट उन्हें एक आइडिया की तरफ पुश करने लगी। उनके सारे पार्टनर्स उन्हें डील्स के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोलने का कहने लगे। रोहित और कुणाल ने ये मिलकर डिसाइड किया कि मार्केट की ना सुनना बेवकूफी होगी, और इससे पहले कि ऑनलाइन स्पेस में कंपटीशन बढ़ जाए, उन्हें जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। इसी तरह सिर्फ 10 दिन के अंदर ही 4th फेब 2010 को स्नैपडील लॉन्च कर दी गई। इस बार ज्यादा प्लानिंग्स में टाइम गंवाने के बजाय दोनों ने जल्दी एक्शन लेने का सोचा। मेजर फोकस था कस्टमर और पार्टनर की जरूरत को समझना और उन्हें एक रिलायबल और रिलेटेबल सर्विस देना। जैसे काफी लोग ये कंप्लेंट्स करने लगे कि डील्स उनके एरिया से दूर हैं, इसलिए वो उनका फायदा नहीं उठा सकते। ये देखकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा गया जहां लोग बस अपनी लोकेशन डालें और उन्हें अपने एरिया की बेस्ट डील्स मिल जाएं। जल्दी स्नैपडील एक डील से 200 डील्स ऑफर करने लगी अलग अलग शहरों में। बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगा और सिर्फ 14 मंथ्स में ही स्नैपडील के पास कूपन बिजनेस का 75% मार्केट शेयर आ गया था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, तभी उनके बिजनेस में एक और टर्निंग पॉइंट आया। उनके काफी इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स उन्हें चाइना विजिट करने का कह रहे थे, तो दोनों दोस्तों ने चाइना का 3-day ट्रिप प्लान किया और ये ट्रिप एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। 2011 में इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट सिर्फ 5,000 प्रोडक्ट्स अ डे की मार्केट थी, लेकिन चाइना में उस वक्त 2.5 लाख ऑर्डर्स हो रहे थे। ये देखकर दोनों दोस्तों के होश ही उड़ गए। वहाँ अलीबाबा की सक्सेस देखकर कुणाल और रोहित ने वही सेम मॉडल इंडिया में लाने का सोचा। वहाँ से वापस आकर दोनों ने अपनी टीम और इन्वेस्टर को इस बिजनेस चेंज के बारे में बताया। स्नैपडील ने जल्दी अपनी टीम के बेस्ट लोगों को इस चेंज पे लगाया। ये चेंज ऐसा था जैसे एक पूरी नई कंपनी शुरू से बनाना। टेक्नोलॉजी से लेकर डिलीवरी पेमेंट तक सब कुछ बदलना था। लेकिन दोनों दोस्त एक बार फिर जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी पे कूद पड़े और वक्त के साथ साथ चीजें सीखते गए। फिर 2012 के खत्म होते होते स्नैपडील की 95% सेल्स प्रोडक्ट से आ रही थी और सिर्फ 5% डील से। उस वक्त फोर्ब्स मैगजीन का माना जाए तो स्नैपडील एनुअली 500% पे ग्रो कर रही थी, जबकि पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री सिर्फ 80% पे ग्रो कर रही थी। स्नैपडील की ये ग्रोथ देखकर ईबे जैसी कंपनीज भी स्नैपडील में इन्वेस्ट करने लगी। ईबे के बाद काफी बड़े बड़े नाम जैसे रतन टाटा ने भी स्नैपडील में इन्वेस्ट किया। लेकिन इंडियन ई कॉमर्स में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ने लगा था, जहाँ काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेजोन और वॉलमार्ट भी इंडियन ई कॉमर्स पे अपनी नजर जमाए हुए हैं। इसी कंपटीशन की वजह से स्नैपडील ने 2017 में काफी मार्केट शेयर लूज किया, जहां उनकी वैल्यूएशन $7 बिलियन से गिरकर $1 बिलियन हो गई। लेकिन स्नैपडील ने अब 2018 में काफी अच्छा कमबैक किया है और काफी तेजी से मार्केट शेयर रिकवर भी किया है। एलिस की माने तो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट 2017 में $38 बिलियन से ग्रो करके 2026 तक $200 बिलियन की होने जा रही है। इसका बड़ा पोर्शन लेने के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और दूसरी कंपनीज में ये जंग जारी रहेगी। आज जहां अमेजोन और फ्लिपकार्ट इस मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, वहीं देखना यह है कि फ्यूचर में कौन कहां खड़ा होता है। आज फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल और बनी बंसल के साथ साथ रोहित बंसल भी ई कॉमर्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों मुझे ये बुक पढ़ के बनियों की काफी बिजनेस क्वालिटीज नजर आई, जो मैं कुछ आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा। नंबर 1, ये लोग सबर से काम लेते हैं। बुरे वक्त में भी सबर करके ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। नंबर 2, ये लोग रिस्क लेने से नहीं घबराते। जब ऑर्डर्स अच्छे हों तो ये लोग रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। नंबर 3, ये लोग कस्टमर और मार्केट की अच्छे से सुनते हैं। जैसे ही कस्टमर्स की नीड बदलती है, ये लोग अपने बिजनेस को बदलने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 4, ये लोग परफेक्ट आइडिया या बेस्ट प्लान का वेट नहीं करते। जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां कूद जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बिजनेस के बारे में सीखते जाते हैं। ये लोग ज्यादा प्लानिंग्स में टाइम गंवाने के बजाय एक्शंस में बिलीव करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किस्से, कहानियों और किताबों से सीखने के लिए समडअप को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।